बच्चे बता दें सभी के पास अभी नोट्स हैं या नहीं है, या क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं अभी के लिए आज के लिए मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप बस नोटबुक निकालो। थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट एंड सी वेक्टर आर सच दैट A vector is equal to B vector plus C vector. A vector is equal to B vector plus C vector. And their magnitudes are five, four, and three respectively. तो याद रखिए कि जब भी स्क्वायरिंग करनी है वेक्टर्स की तो दोनों तरफ डॉट वाला मल्टीप्लिकेशन करना है,
मतलब जैसे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर है ना, आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सिमिलरली इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो स्क्वायरिंग रूल सेट में दोनों तरफ आप डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब आगे चलेंगे, जरा आगे देखिएगा, जब ये डॉट प्रोडक्ट इनका किया जाएगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, लेकिन विद अ माइनस साइन, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस सी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर, यानी कि प्लस का सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में ही, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, आप देखिएगा मैंने ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि किसी भी वेक्टर का अगर खुद ही के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखूं या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो एक ही बात है, यहाँ से लिख देना माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मतलब सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये क्या हो गया माइनस टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया माइनस टू माइनस टू, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को लिखेंगे ए सी कॉस थीटा। ठीक है, ए सी कॉस थीटा, ये थीटा क्या हो गया, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। अब बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर देखिए उन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर मतलब गिवन है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 3, तो ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए सी कॉस थीटा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 9 माइनस 25 माइनस 2 इंटू, अब ए सी कॉस थीटा, तो ए कितना है, ए दे रखा है 5 और सी कितना है 3, 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 25 इज माइनस 34, तो 16 माइनस 34 माइनस 2 इंटू 5 3 इज 15 कॉस थीटा, 16 माइनस 34 इज 18 माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, 3 5 0.6, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0.6 हो गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.6। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0.5 आ जाती तो 0.5 का मतलब तो 1/2 होता है, 1/2 तो वो बता देता है कि कितना है, अब 0.6 ये वैल्यू नहीं पता आपको कितनी होती है। तो जब ऐसे ना थीटा आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, थीटा को इधर छोड़ देंगे और कॉस को उधर ले जाएंगे, वो कहलाता है कॉस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6, ये आपका एंगल आ गया। ठीक है, तो थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच वाला एंगल ही थीटा है। ठीक है, बताइए जी क्लियर है, ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बता दें भाई, सूर्यांश शुभ वंशिका विराज, चलिए ठीक है जी आगे चलता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 32 था, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 33 देखेंगे, एग्जाम्पल 33
आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो भाई हार्ड कॉपी ले लेना अपने नोट्स की मेरे से। और ये जो मैं एग्जांपल 32 या 33 लिख रहा हूँ, ये नोट्स के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो एग्जांपल 33 है, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड
एस स्क्वायर, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, किसी भी वेक्टर का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर इंटू माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस बी वेक्टर इंटू माइनस बी वेक्टर, यानी कि प्लस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इतना हो गया। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को पलट देंगे क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस का टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्वेश्चन। बट यहाँ तक बता दीजिए क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई फिर। सो इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू ए वेक्टर बी वेक्टर है इधर, इधर प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको इधर ले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, टू प्लस टू कितना हो गया फोर, तो इसका मतलब क्या हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ गया। इट इम्प्लाइज दैट एंगल बिटवीन दैम कितना हो गया, इस 90 डिग्री, दोनों के बीच में एकदम 90 डिग्री हो गया। क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ए और बी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, नया कांस्टेंट आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया ना ए और बी वेक्टर के, तो ये जीरो के नीचे चले जाएंगे, cos theta is equal to 0 upon AB यानी कि 0, तो theta is equal to 90 degree, क्योंकि cos theta 0 कब होता है, जब theta की वैल्यू 90 degree, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा एग्जांपल आपको 34 देखिए, if vectors p vector q vector and r vector
स्टूडेंट्स हैव मैनी ड्यूज 5, 12, and 13 minutes plus q vector is equal to r vector. p vector plus q vector is equal to r vector, comma. Find the angle between q vector and r vector. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके निकाल करेंगे, ट्राई करिए पहले। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जरा ट्राई करिए, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ। आपको जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है उसको एक साथ ले जाओ, चाहे तो क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर करो, फिर पी वेक्टर को इधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा, और चाहे आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि जो भी दोनों तरफ वेक्टर्स होंगे उनका उन्हीं के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, मैं एक मिनट में आता हूँ।
आंसर बताइए। हाँ सूर्यांश बताइए आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल सही है, कॉस इनवर्स 12/13 आना चाहिए। चेक करिए, बाकी बच्चे बताएंगे। देखिए कि मैं r वेक्टर माइनस q वेक्टर क्यों करा है, क्योंकि हमें एंगल q और r के बीच का निकालना है, ठीक है। तो इसलिए r वेक्टर माइनस q वेक्टर कर दिया, और जब स्क्वायर को सेंस करेंगे तो दोनों तरफ का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये हो जाएगा p वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस q वेक्टर
प्लस की उसको अब ये वाला जो आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इसको इधर ले आओ, तो वाइस ऑफ आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया वाइस ऑफ आर क्यू कॉस थीटा। की वैल्यू लिख दीजिए पी क्यू और आर, पी क्यू और आर की वैल्यू दे रखी है 5, 12 और 13, तो आर की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, पी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, इनटू आर और क्यू की वैल्यू है 13 और 12 cos थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू 169 प्लस 144 माइनस 35
x-axis, b, lambda direction of x-axis, b represented. I gets unit vector, which is I cap. X-axis के along वाला जो unit vector होता है वो I cap होता है. तो आपको इन दोनों का determine the angles with the vector this makes with x, x, y and z axis. Normally can be a vector dot b vector is equal to ab cos theta is equal to ab cos theta. ये होता है. So a vector dot i cap is equal to a into i cap का magnitude होता है 1 into cos theta ना बोलकर alpha बोल दीजिएगा. theta ना बोलकर alpha बोल दीजिएगा. ठीक है. और हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं that alpha and gamma be the angles which a vector makes with x, y and z axes respectively. x, y and z axes respectively. ठीक है. तो जब भी कभी कोई वेक्टर दे रखा होता है तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा मान लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है उसको बीटा मान लेते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो बना रहा है उसको गामा मान लेते हैं. तो हमने ये कहा कि हमें ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है एक्स एक्सिस के साथ. तो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप. ठीक है, आई कैप. तो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए हो गया. आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अराउंड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं इस वजह से क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल है अल्फा. ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है कॉस अल्फा. अब इसको देखिए, ए वेक्टर क्या है? आई वाई क्या प्लस जीरो जे कैप प्लस फाइव के कैप डॉट प्रोडक्ट. ये जो आई कैप है यहाँ तो सिर्फ आई कैप ही है, इसको क्या लिखेंगे? वन आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप इज इक्वल टू ए इंटू वन इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू. अब ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर. अगर मेरे को कोई भी फैक्टर दे रखा है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दे रखा है, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर तीनों को ऐड करिए, ऐड करके उसका अंडर रूट निकालिए, मैग्नीट्यूड आ जाता है. ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और मल्टीप्लाई बाई वन और मल्टीप्लाई बाई कॉस आर. ठीक है, अब देखिए फाइव आई कैप, आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में मल्टीप्लाई होता है. तो फाइव इंटू वन फाइव, जीरो इंटू जीरो जीरो, फाइव इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि टू इंटू ट्वेंटी फाइव हो गया अंदर. और कॉस अल्फा ये बताइए, समझ गए? मैं वैसे 50 लिख सकता था इसको, मैंने जानबूझ कर 2 इंटू 25 लिखा. 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो 25 टू सर 25 इंटू 2 लिख सकते हैं उसको. मैंने जानबूझ कर लिखा क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 5 आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 5 हाँ सुनिए, ठीक है, तीनों आंसर ठीक है. 5 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 कॉस अल्फा. 5 से 5 कट गया तो बन बचा. अब इस रूट टू को इधर ले जाओ तो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा. अब आप ये देखिए कि इसमें मेरे को कॉस इनवर्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कहाँ आती है? 45 डिग्री पर. तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सही है जी, ये हो गया. इसके बाद अगला देखते हैं.
हम क्या करना है, ए वेक्टर डॉट जे कैप करेंगे, ए वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू ए इंटू वन इंटू कॉस थीटा। जे वेक्टर, जे कैप क्या होता है, वाई एक्सिस के अराउंड यूनिट वेक्टर को हम जे कैप बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस फाइव के कैप डॉट, इधर जे कैप है तो जे कैप मतलब आई तो है ही नहीं, तो लिखेंगे जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप इज इक्वल टू, अब ए का मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूँ एक बार, वो फाइव रूट टू है, तो मैं सीधा फाइव रूट टू लिखा इज इक्वल टू फाइव रूट टू कॉस बीटा, आई वाले को मल्टीप्लाई, तो फाइव इंटू जीरो इज जीरो, जे वाले को मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू वन इज जीरो, और के वाला के को मल्टीप्लाई, फाइव इंटू जीरो इज जीरो इज इक्वल टू फाइव रूट टू कॉस बीटा, जीरो इज इक्वल टू फाइव रूट टू कॉस बीटा, फाइव रूट टू को इधर ले आओ, इसका मतलब कॉस बीटा इज इक्वल टू जीरो अपॉन फाइव रूट टू, जीरो अपॉन फाइव रूट टू मतलब जीरो, बीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, सही है। इसी तरीके से तीसरा एंगल निकालेंगे गामा, वो भी ऐसे ही निकलेगा, इसमें क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू ए इंटू वन इंटू कॉस गामा, इंटू कॉस गामा, और ये हो गया फाइव आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस फाइव के कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड है फाइव रूट टू इंटू कॉस गामा, सॉरी के कैप भी तो लिखना है, के कैप वाले क्या लिखेंगे, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस वन के कैप इज इक्वल टू फाइव रूट टू कॉस गामा, आई कैप वाला मल्टीप्लाई, तो फाइव इंटू जीरो इज जीरो, जे कैप वाला में तो जीरो इंटू जीरो जीरो, और लास्ट में फाइव इंटू वन इज फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट टू कॉस गामा, फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट टू कॉस गामा, फाइव से फाइव कट गया इधर वन बचा, वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू कॉस गामा, गामा की वैल्यू भी 45 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 36, 37, 38, ये तीन एग्जाम्पल बचे हुए हैं, देख लेना है ना, बस थोड़े से टिपिकल है, और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड करे हैं ये ऐसे अरोड़ा के एग्जाम्पल्स हैं, ये एज इट इज एग्जाम्पल्स ज़्यादातर स्कूलों में टीचर्स यही उठा कर देते हैं, ठीक है ना, ये कर लेना अच्छे से, ठीक, चलिए जी फिर आज इतना करते हैं।